हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी मास्टरमाइंड। मैं हूं आपका दोस्त बलराम मीना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएससी एसआई का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है। यानी कि पहले जो अपन ने वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने बताया था कि एक तारीख या उसके बाद में एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। आज 2 है और 2 अक्टूबर को जो है इस आरपीएससी का जो एसआई का एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। तो चलिए अपन देखते हैं इसको कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले आप कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, ये प्रोसेस सेम रहेगी। आपकी कंप्यूटर में भी होगा, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो यही प्रोसेस होगी, और अगर आपके पास जो मोबाइल है तो मोबाइल में भी यही प्रोसेस होगी। rpsc.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर आपको आना है, ठीक है। ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिए, यही एक एग्ज़ाम यहाँ पर शो कर रहा है तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए इस साइड पर ये लिखा हुआ है गेट एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पर आप एंटर एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन आईडी जो है, एप्लीकेशन नंबर जो है, आवेदन संख्या वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो आपने उस एग्ज़ाम को, उस फॉर्म को भरते टाइम जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाली थी उस फॉर्म में, वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये जो कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, ये इमेज, इस इमेज को यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये यहाँ पर इसमें टाइप कर दीजिए। अब यहाँ पर आप कीजिए गेट एडमिट कार्ड, तो देखिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपको वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि ये प्रिंट का ऑप्शन बना हुआ है, सिंपल सिर्फ एक ही ये चीज़ दिखाई देती है अपन को, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके घर पर आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं, आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर चेंज पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप या तो अपना प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप यहाँ पर सेव एज PDF ये वाला ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो है इस पर सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद में आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि आपको इसको कहाँ जा करके सेव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसको सेव करवा देता हूँ, तो ये देखिए मेरा जो है डाउनलोड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो है इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, उस वेबसाइट का लिंक एक बार फिर से मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर आपको जो है डिटेल फिलअप करनी है और आप आसानी से उसको डाउनलोड करवाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।